मित्रों प्रणाम। मैं आपका साथी आपका आचार्य आशीष कृष्ण आपका स्वागत करता हूं चैनल ओम आलोक के कार्यक्रम तंत्र मंत्र व यंत्र में। हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छी श्रृंखला है इस्लामी वशीकरण की, और इसमें हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, जो हमने तावीज बताए थे, अब कुछ मंत्र बता रहे हैं, उनके करने से आप जिसको चाहेंगे अपने वशीकरण में बांध लेंगे। तो मैं आपको ये तावीज बताऊँ, ये मंत्र बताऊँ, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो देखें, इस प्रकार का एक ऑप्शन उनके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये है लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन खुल कर आएगा, ये है बेल आइकॉन, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर देंगे तो हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। मित्रों तो हम आपको बताते हैं वो उपाय जो बताने के लिए आए हैं। आप देखें अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि मंत्र और उसकी प्रयोग विधि। काला मुख धोयो करूं सलाम, मेरी आंखों में सुरमा बसे, जो देखे सो पायन पड़े, दुहाई गौसुल आसन दस्तगीर को छू। मित्रों किसी शुभ घड़ी में आप 1.25 लाख गेहूं के दानों को एकत्रित कर लें गिनती से, और एक एक दाने को ये मंत्र पढ़कर आप अभिमंत्रित करें, यानी मंत्र पढ़ा एक दाना उठाया फूंक मारी, तो ये 1.25 लाख बार आपको करना है। फिर गेहूं को पिसवा कर उसका आटा बना ले, फिर उस आटे को गौसुल आजम दस्तगीर की कढ़ाई तैयार कराकर भोग लगाएं। उसके बाद इस मंत्र को 2100 बार एक सुरमे पे पढ़कर आप फूकें। ये दो कार्य करने हैं, ये तो आप गौसुल पाक की आपको भोग लगवाना है, उसके बाद एक सुरमा ले लें, उस पर 2100 बार पढ़कर ये मंत्र फूकें, तो आप उस सुरमे को लगाकर जहां भी जाएंगे वहां पर जिस स्त्री को आप चाहेंगे, जिसकी आंखों में आप देख लेंगे, वो आपकी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। इतना बढ़िया वशीकरण है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वशीकरण उपाय, आप हमें सूचित करिएगा लाइव कमेंट्स के द्वारा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बात देखते रहें कार्यक्रम तंत्र मंत्र मंत्र व कुछ सुनी इनकी कहानियाँ। इस सभा के लिए इतना ही मित्रों, अन्य सभाओं में आपसे फिर मैं करूँगा, तब तक के लिए मातेश्वरी आपका कल्याण करिए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद व प्रणाम।